नमस्कार, मैं हूं सौरभ सुमन। आप देख रहे हैं द स्कूल ऑफ बेस। आज के वीडियो में सीखेंगे कि बिना बेस गिटार के बेस गिटार कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई थी, मेरे कई सारे स्ट्रगल्स थे जैसे स्लैब बेस से रिलेटेड, रिदम से रिलेटेड, जो बिना बेस के ही ठीक हुए हैं। यानी कि बिना बेस की प्रैक्टिस जो मैंने करी और वापस फिर बेस पे आके अप्लाई करी, उससे काफ़ी चीज़ें मेरी सॉल्व हो गई थी। एग्जाम्पल के लिए, मैं स्लैब ठीक से नहीं कर पाता था, तो उसका क्या सोल्यूशन था मेरे लिए कि मैं चलते फिरते गानों के साथ में स्लैब की प्रैक्टिस शुरू करूँ। तो वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं प्रैक्टिस करने वाली जो आप बिना बेस गिटार के प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन आज मैं रिदमिक और मेलोडिक दो सिंपल कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करूंगा। तो पहले शुरू करते हैं हमारे रिदमिक कॉन्सेप्ट्स जो आप बिना बेस गिटार के प्रैक्टिस कर सकते हैं। रिदमिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करते हुए सबसे पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आती है वो है स्लैब बेस। सो जैसे मैंने वीडियो में शुरू में कहा कि स्लैब बेस एक प्रॉब्लम हो सकती है, मेरे लिए थी पर्सनली। मैं ट्राई करता था स्ट्रिंग को हिट करने के लिए, मेरी जो रिस्ट थी वो ठीक से घूमती नहीं थी। तो उसको मैंने कैसे प्रैक्टिस करना शुरू किया, ट्रैवल करते हुए प्रैक्टिस करना शुरू किया, कभी चलते हुए प्रैक्टिस करना शुरू किया, कभी बैठे बैठे कहीं पर प्रैक्टिस करना शुरू किया। तो कई तरीके हैं इसको प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए आप गाड़ी में हैं, तो मान लीजिए आप ड्राइव कर रहे हैं और आपके पास टाइम नहीं है स्लैब बेस अलग से प्रैक्टिस करने का। तो हमें रिस्ट मूवमेंट प्रैक्टिस करनी है स्लैब के लिए कि हमारा थंब और रिस्ट साथ में ऐसे मूव करें, तभी इम्पैक्ट आता है अच्छा रिस्ट मूवमेंट का। मैं क्या करूंगा, कोई भी रैंडम गाना एकदम वॉल्यूम खोलता हूँ, हिंदी गाना आ रहा है, इसके साथ में सिर्फ स्टेयरिंग व्हील पे जस्ट प्रैक्टिसिंग सिंपली क्वार्टर नोट्स 1 2 3 4 ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप वॉक कर रहे हैं काम के लिए या वॉक करते हुए कहीं जा रहे हैं, तो आप यही चीज चेस्ट पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे मान लीजिए आपने ईयरफोन्स पहने हुए हैं और आप अपने काम पे जा रहे हैं या जस्ट जनरली वॉक कर रहे हैं, तो ऐसे प्रैक्टिस आप चेस्ट पे कर सकते हैं, अपनी लेग पे कर सकते हैं। मूवमेंट सेम रहेगी ऐसे करके, बस हम रिस्ट मूवमेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जब ये चीज़ आपकी रेगुलर लाइफ का पार्ट बन जाती है, तो अपने आप ही आपका कंफर्ट इसके साथ में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। कंफर्ट इंक्रीज होते ही जब आप अपने इंस्ट्रूमेंट पे बैठेंगे बजाने के लिए, तो एक तरह से एक लूप बन जाता है इंप्रूवमेंट का। कभी चलते फिरते जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपकी रिस्ट मूवमेंट अच्छी हो गई है, ऑब्वियसली जब आप बेस लेके बैठेंगे तो अच्छे से ही बजेगा वो। तो ये चीज़ अपने आप ही वहाँ से ट्रांजिशन कर जाती है आपके इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। फिर अगली चीज़ आती है रिदमिक प्रैक्टिस में, माउथिंग द ग्रूव्स। जैसे हम माउथिंग द ग्रूव्स की बात करते हैं, तो हम सोचते हैं हम बैठ के एक ड्रम लूप को सुन के उसको बोलने की कोशिश करेंगे। किया जा सकता है ये, लेकिन आप प्रैक्टिस रूम में कुछ ही टाइम बिता पाते हैं इन सारे कॉन्सेप्ट्स पे, क्योंकि हम बजा रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और एक साथ कई सारी चीज़ें करनी मुश्किल भी हो जाती है। तो ये एक ऐसी चीज़ है माउथिंग द ग्रूव्स, यानी कि ड्रम ग्रूव को जो बज रही है उसको अपने मुँह से बोलने की कोशिश करना, कोई भी सिलेबस लेके, उसको माउथिंग द ग्रूव्स कहते हैं। ठीक, तो वो आप बाहर खाली टाइम में या कोई गाना चल रहा है या यूट्यूब पे कुछ लगा, उसके अंदर ड्रम ग्रूव क्या चल रही है उसको कॉपी कर सकते हैं। माउथिंग यानी कि मुंह से रिदम्स को बोलना, तो जो भी ड्रम पैटर्न्स, ढोलक पैटर्न वगैरह बजते हैं उनको मुंह से बोलना बहुत अच्छी प्रैक्टिस है अपने आप में, क्योंकि किस तरह का स्विंग है, किस बीट का, किस रिदम का एक्चुअली, तो वो आपको एक्सपीरियंस होता है जब आप उसको माउथ करते हैं, और जितना आप उसको एक्सपीरियंस कर पाते हैं अपनी बॉडी में, उतना अच्छा उसके साथ में आप बेस बजा पाते हैं। तो ये एग्जांपल देखते हैं कि रेडियो पे कुछ भी आ रहा है, ऐसे करके एक ग्रूव बज रही है उसमें, ऐसे करके हिट्स भी आ रही है। तो ये सारी चीजें आप बोलने की कोशिश कीजिए कि कैसे आप इन चीजों को रिसाइट कर सकते हैं। ठीक, ये बहुत हेल्प करेगा आपको बेस प्लेइंग में ओवरऑल। एक और चीज जो आप कर सकते हैं ये सीखने के बाद में, इसको अपनी बीट पे कि आप टैप करें इस बीट को, जैसे 1 2 3 4 तक्का धंतर तंकांग, तक्का धंतर तंकांग, तक्का धंतर तंकांग, तक्का धंतर तंकांग। अब आप अपने से भी अपने सिस्टम में अपनी जो आपकी टाइम की अंडरस्टैंडिंग है, मेट्रोनोम की अंडरस्टैंडिंग है, उसके ऊपर इस बीट को, इस रिदम को ले डाउन करना शुरू कर, तक्का धंतर तंकांग, तक्का धंतर तंकांग, तक्का धंतर तंकांग, तक्का धंतर तंकांग। तो मैंने पहले कभी बोला नहीं है, अभी मैं सुन के रिसाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जितना बोलूंगा उतना रिफाइन हो जाएगा ये, और जितना रिफाइन हो जाएगा उतना अच्छा मैं इसके साथ में बेस सोच सकता हूँ। अगली चीज जो आप बिना बेस गिटार के प्रैक्टिस कर सकते हैं वो है मेलोडिक प्रैक्टिस, यानी कि मेलोडीज को गाना। हमारे केस में हम बेस बजाते हैं तो हम बेस लाइंस को गाएंगे, वो भी अपने आप में छोटी छोटी मेलोडीज होती हैं। तो बेस लाइंस को गाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, अगर आप उसको गाने की कोशिश करेंगे। तो कई बार क्या होता है, हम लोग गा नहीं पाते, नोट नहीं पकड़ पाते गा के, लेकिन रिदम हम हमेशा पकड़ सकते हैं। तो वहां से शुरू करें और धीरे धीरे उस रिदम पे नोट्स ऐड करना शुरू करें। तो ये एक एग्जाम्पल है, क्वीन का गाना है अनदर वन बाइट्स द डस्ट, उसको गाने की कोशिश, dun 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 dun
ठीक है। तो अगर आप एग्जैक्ट नहीं भी गा पा रहे हैं, कोशिश कीजिए इसको अचीव करने की, ये आपको बनाएगा एक बहुत बहुत बेटर बेस प्लेयर। तो आप जब इसको रिसाइट करते हैं ना कि कितना लंबा नोट जा रहा है, किस तरह से वो ड्रम बीट के साथ में बैठ रहा है, ये सारी चीजें, फिर आप इंस्ट्रूमेंट से बजाने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम सीधा इंस्ट्रूमेंट पे बजाने की कोशिश करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को ही फर्स्ट स्टेप बना लेते हैं अपना, तो उतनी क्वालिटी निकल के नहीं आती हमारे इंस्ट्रूमेंट से। तो इट्स लाइक योर सिंगिंग बट थ्रू योर बेस गिटार। ये कॉन्सेप्ट है किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बजाने का, कि आप सोच रहे हो, गा रहे हो, लेकिन वॉइस की जगह आप इंस्ट्रूमेंट से गा रहे हो। तो इन अ नटशेल, बिना बेस गिटार के आप क्या क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं? आप स्लैब बेस प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरी चीज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं माउथिंग ऑफ द रिदम्स, यानी कि रिदम्स को मुंह से बोलना, कोई भी सिलेबल्स इस्तेमाल करके। तीसरी चीज प्रैक्टिस कर सकते हैं सिंगिंग द बेस लाइंस। तो ये तीन चीजें हुई, और भी जैसे मैंने कहा बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं प्रैक्टिस करने के लिए, पर ये गुड स्टार्ट रहेगा आप लोगों के लिए। और एक्सपीरियंस कीजिए, बताइए मुझे कैसी ग्रोथ हो रही है आपकी बेस गिटार, बिना बेस गिटार के प्रैक्टिस करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मैं मिलता हूँ आपसे जल्द। बाय बाय।